अगर आपको आपकी कंपनी नोटिस पीरियड सर्व करने के लिए प्रेशर कर रही है और वो रिलीज नहीं कर रही है, तो उस केस में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है वहाँ पे, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस लेटर चाहिए होगा। अगर आप डायरेक्टली किसी कंपनी को छोड़ के जाते हो तो आपका एक्सपीरियंस लेटर वहाँ पे होल्ड कर लेते हैं। तो उस केस में क्या होता है दोस्त, दो तरीके होते हैं नोटिस पीरियड से बाहर निकलने के लिए। पहला ये कि आप लीगल वे से आओ। लीगल वे क्या होता है कि आप पूरा नोटिस पीरियड सर्व करो, 2 महीने, 1 महीने, 3 महीने, वॉट एवर टाइम उस कंपनी का है नोटिस पीरियड सर्व करने के लिए, आप उसे सर्व करके आओ। दूसरा ऑप्शन क्या है, सॉरी यहाँ पे 3 पॉइंट है, मैंने 2 बताए, 3 पॉइंट्स हैं जहाँ से आप निकल सकते हो। तो यहाँ पे मैं दूसरा पॉइंट बता दूँ कि लगभग 90-95% कंपनी में जिनका नोटिस पीरियड 3 मंथ्स का होता है, वहाँ पे नोटिस पीरियड बाई आउट का ऑप्शन होता है। अब बाई आउट में भी 2 ऑप्शन आते हैं, आप अपनी कंपनी को कन्वेंस करके 15 दिन, 1 महीने या 1.5 महीने का नोटिस पीरियड सर्व करो, अपना हैंडओवर किसी दूसरे बंदे को दो, एंड इसके बाद 1 से 1.5 महीने का आप नोटिस पीरियड बाई आउट कर लो अपनी बेसिक सैलरी उनको देके, कि बेसिक सैलरी आप उनको दे रहे हो और वहाँ से नोटिस पीरियड बाई आउट कर रहे हो। इसी में जो सेकेंड पॉइंट है वो क्या है कि आप जिस किसी फ्यूचर कंपनी में जा रहे हो, जो आपका आने वाला ऑर्गेनाइजेशन है, आप उनको कन्वेंस कर सकते हो कि आप मेरी प्रीवियस कंपनी से मेरा नोटिस पीरियड आप बाई कर लो, एंड नोटिस पीरियड बाई बाई करने के बाद में अगर वो आपका अमाउंट दे रहे हैं, मे भी हो सकता है वो बॉन्ड अग्रीमेंट पे साइन करेंगे अगर आपका नोटिस पीरियड बाई आउट कर रहे हो, तो आप उनके थ्रू भी जा सकते हो नोटिस पीरियड बाई आउट करने के लिए। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे निकल के आता है कि आप डायरेक्ट कंपनी छोड़ के जा सकते हो जब आपको एक्सपीरियंस लेटर नहीं चाहिए। जाहिर सी बात है, आप कंपनी अगर डायरेक्ट छोड़ के जा रहे हो तो आपको टर्मिनेशन लेटर मिल जाएगा, सेकंडिंग लेटर आपको उस कंपनी का मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे 2 कंडीशन फॉलो होती हैं। इसमें पहली है कि अगर आप किसी भी कंपनी को विदिन 6 मंथ छोड़ रहे हो तो वहाँ आपको एक्सपीरियंस लेटर होपफुली नहीं चाहिए होता है, क्योंकि 1-2 महीने, 15 दिन, 20 दिन या 4 महीने हुए होते हैं तो एक्सपीरियंस आपका काउंट नहीं होता है। तो आप पर्टिकुलर इस पॉइंट पे अगर जस्टिफिकेशन आप नेक्स्ट कंपनी को दे पा रहे हो या दे पाओगे, तो फिर आप डायरेक्ट कंपनी को छोड़ के जा सकते हो, आपने किसी भी तरीके का बॉन्ड या अग्रीमेंट पर साइन ना किया हो। अगर आपको 2 साल हो गए, 1 साल हो गए या 1.5 साल हो गए, तो फिर आपको एक्सपीरियंस लेटर चाहिए ही होता है। अगर वो एक्सपीरियंस भी आपको नहीं चाहिए, तब भी आप कंपनी डायरेक्ट छोड़ के जा सकते हो। जो मेन मुद्दा होता है कंपनी में नोटिस पीरियड सर्व करने का, वो ये होता है कि आपका टर्मिनेशन लेटर आपको ना मिले, आपका एक्सपीरियंस लेटर या रिलीविंग लेटर प्रॉपर वहाँ से मिल जाए। तो बाकी अगर आप डेस्कटॉप सपोर्ट, आईटी सपोर्ट या नेटवर्किंग प्रोफाइल में जॉब सर्च कर रहे हो, तो नीचे मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं 50 से 60, जो आपको 90-95% इंटरव्यू में मिलने वाले हैं, एंड मेरा बेस्ट रिज्यूमे पड़ा हुआ है, आप चाहो तो उसको भी चेकआउट कर सकते हो, जो कि आपको जॉब्स पोर्टल पे 100% शॉर्ट लिस्ट कराने वाला है। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।